नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी की धरती पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिंद्रा की जानी मानी और सबसे पुरानी एसयूवी महिंद्रा बलेरो के बारे में। इस गाड़ी को महिंद्रा ने 2000 में लॉन्च किया था और तब से लेकर अब 2022 तक ये गाड़ी अपने नाम से बिकती है, ना कि महिंद्रा के नाम से। जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को पहली बार लॉन्च किया 2000 में, तो इस गाड़ी का प्राइस रखा गया था 4,98,000 रुपये और इस गाड़ी में उस टाइम 2.5 लीटर यानी 2500 सीसी का डीजल इंजन मिलता था आपको। उसके बाद इस गाड़ी में 2007 में अपडेट आया, लेकिन 2008 में गाड़ी का इंजन ही चेंज कर दिया गया और फिर 2008 के बाद गाड़ी में 2011 और 2016 में भी एक एक अपडेट आया। 2016 के बाद 2021 में फिर से इस गाड़ी में चेंजेस किए गए थे और 2022 में इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग्स भी मिलने लगे हैं। ये तो हो गई भाई इस गाड़ी की छोटी सी हिस्ट्री। अब बात करते हैं इस गाड़ी में करंट में आपको कौन सा मॉडल मिलता है, क्या प्राइस रहता है और कैसा इंजन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस का। तो भाई बेस मॉडल हो या फिर टॉप वेरिएंट, डायमेंशंस यानी लंबाई चौड़ाई तो सब गाड़ियों की सेम ही रहने वाली है, कहीं बॉडी साइज में तो छोटा बड़ा नहीं किया जाएगा। तो भाई बोलेरो की लेंथ है 3995 mm, विड्थ 1745 mm, हाइट है गाड़ी की 1880 mm, व्हील बेस 2680 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 60 लीटर और ये गाड़ी आपको डीजल इंजन के साथ मिलती है। इसका डीजल इंजन 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी एमोक डीजल इंजन है जो 75 यानी 75 bhp जनरेट करता है, 210 Nm यानी 210 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी आपको 3 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव मिलता है, 4x4 या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं मिलता। तो भाई डायमेंशंस और इंजन पावर बलेरो के सभी वेरिएंट में आपको सेम मिलेगी। अब बात कर लेते हैं बलेरो के स्टैंडर्ड सेफ्टी यानी सबसे छोटे वाले वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे, फ्रंट में ABS मिल जाता है गाड़ी में, डुअल एयरबैग मिलेंगे, बेस वेरिएंट B4 से सीट बेल्ट वार्निंग, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, EBD, फ्रंट और साइड इंपैक्ट बीम, इंजन चेक लाइट, ये सब आपको B4 में मिल जाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट B6 में आपको दो फीचर्स कौन से ज़्यादा मिलते हैं। तो वहीं यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग और डोर अजर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, ये आपको B6 में भी मिल जाएंगे और B6 ऑप्शनल में भी मिलेंगे, लेकिन B4 में आपको मैनुअली अपने हाथों से गाड़ी के डोर लॉक्स करने पड़ेंगे। तो भाई अगर आप लोग सेंटर लॉकिंग यानी रिमोट की के ज़्यादा ही बड़े शौकीन हैं तो आपको V4 छोड़कर B6 या फिर B6 ऑप्शनल लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में आपको एक्सटीरियर यानी बाहर में क्या क्या मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडलाइट ये आपको बेस वेरिएंट से मिलनी स्टार्ट हो जाती है, रियर विंडो डिफोगर ये भी आपको B4 से मिल जाएंगे, पावर एंटीना, साइड स्टेपर मतलब गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए स्टेपर, 16-inch रिम्स ये आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है सब कुछ। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट B6 ओपनल खरीदेंगे, यहाँ पर आपको फोग लाइट्स, रियर विंडो वॉशर और डिफोगर, उसके साथ साथ आपको रियर वाइपर और व्हील कवर्स मिल जाते हैं। इस सब के साथ साथ कॉर्नरिंग हेडलाइट का भी फीचर मिलता है आपको B6 ऑप्शनल में। याद रखिए B4 और B6 में आपको ये सब फीचर्स नहीं मिलते। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो आपको B6 में फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों B6 के रियर में आपको वाइपर और वॉशर नहीं मिलेगा, वॉशर तो क्या ही मिलेगा जब वाइपर ही नहीं मिलता। फ्रंट में फोग लाइट्स नहीं मिलेंगी और कॉर्नरिंग हेडलाइट्स नहीं मिलेंगी आपको B6 में। बात करें ORVM की, यहाँ पर कोई सा भी वेरिएंट आप ले लीजिए, ORVM पर आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा, ऑटो फोल्डेबल ORVM भी नहीं है, यहाँ पर आपको हाथों से एडजस्ट करने पड़ते हैं और इंडिकेटर आपको फेंडर पर ही मिलेगा, ORVM पर कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया है। क्योंकि भैया कोई स्मार्ट गाड़ी तो नहीं है जो आपको ORVM पर इंडिकेटर दे और एडजस्टेबल मिरर दे, ये तो आपके लिए काम चलाऊ ट्रक है जिससे आप अपने काम को आसानी से कर सके और आप ऑफ रोडिंग के मजे ले सके और आप एक SUV के भी मजे ले सके कम पैसों में। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की, जान लेते हैं बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अगर आप इस गाड़ी का B4 वेरिएंट लेते हैं, यहाँ पर आपको पावर स्टेयरिंग, वैनिटी मिरर, एडजस्टेबल हेड रेस्ट फ्रंट और रियर के, रियर पार्किंग सेंसर्स, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है आपको महिंद्रा बलेरो के बेस वेरिएंट से ही, XUV में तो अभी आने लगा है, बलेरो में तो भाई 2012 से आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता आ रहा है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का B6 वेरिएंट खरीदते हैं तो इसके साथ साथ आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में पावर विंडो, 12V पावर आउटलेट, म्यूजिक सिस्टम और 4 speakers और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस गाड़ी का B6 ओरिजिनल खरीदते हैं तो यहाँ पर इन सभी फीचर्स के साथ साथ आपको गियर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी,
और दोस्तों B6 Pop Channel में आपको ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी मिल जाएंगे। USB और AUX इनपुट तो आपको B6 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिए B4 में कोई म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर्स आपको नहीं मिलते, ना ही वहां पर पावर विंडो मिलती। अब बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई बिल्ड क्वालिटी हो या फिर एयर बैग सेफ्टी पर्पज का कोई भी फीचर्स, ये सभी आपको सभी मॉडल्स में सेम मिलेंगे, किसी में कम ज़्यादा नहीं किया गया है। सभी में आपको डुअल एयर बैग मिलेंगे, एक ड्राइवर के लिए दूसरा पैसेंजर के लिए। दो ABS मिलेंगे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई ज़्यादा खास सेफ्टी नहीं दी गई है। यहाँ पर दोस्तों सेफ्टी बिल्कुल आप ही के हाथ में है, जैसी आप गाड़ी ड्राइव करेंगे उसी हिसाब से आप सेफ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस का, उसके बाद बात करेंगे आपको कौन सा वेरिएंट इस गाड़ी का खरीदना चाहिए। तो भाई इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस, B4 वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस इंडिया लगभग 9,40,000 रुपये है, और टॉप वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस यानी B6 ऑप्शनल का 10,30,000 रुपये है। लेकिन अगर आप B6 ऑप्शनल को ऑन रोड कराते हैं तो ये लगभग आपको 12,20,000 से 12,50,000 रुपये में मिलेगा ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। अब बात करें इस गाड़ी के तीनों वेरिएंट्स में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो भाई B4 को तो बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ना ही तो उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ना ही पावर विंडो के स्विच मिलते हैं, ऐसा कोई भी फीचर उसमें आपको नहीं मिलता जिससे आपको लगे कि हाँ भाई ये एक गाड़ी है। कुछ टाइम बाद आप उस गाड़ी से बोर हो जाएंगे और बिल्कुल देखने में आपको ऐसी फील आएगी कि आप एक ट्रक को ड्राइव कर रहे हैं। तो B4 को छोड़कर आप B6 ले सकते हैं। वैसे इस गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी तो B6 ऑप्शनल ही है, लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है, 40-50,000 रुपये आप नहीं दे सकते, तो आप इस गाड़ी का B6 ले सकते हैं। उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाएगी और पावर विंडो भी मिल जाएगी। कम से कम ऐसा फील तो आएगा आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रक तो नहीं। बाकी अगर आप इस गाड़ी का B6 ऑप्शनल ले लेंगे तो उसमें आपको ऐसे फीचर्स और ऐड कर दिए जाएंगे। रियर में आपको वाइपर मिल जाएगा, वाइपर के साथ साथ रियर में आपको वाशर भी मिल जाएगा, डिफोगर तो सभी वेरिएंट में मिलते हैं। फ्रंट में आपको फोग लाइट्स मिल जाएगी B6 ऑप्शनल में, और कॉर्नरिंग हेडलाइट का ऑप्शन भी मिलता है। तो भाई इस गाड़ी का बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है B6 ऑप्शनल ही, जो इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप B6 को बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन B4 बिल्कुल ना लें। उसमें अगर आप करोल बाग जाकर स्पीकर की हाउसिंग कराएंगे तो वो कंपनी फिटेड वाली तो बिल्कुल नहीं होने वाली, और उसके बाद देखने में काफ़ी भद्दी लगती है। और ऐसे कुछ खास इलेक्ट्रिकल्स या फिर फीचर्स इस गाड़ी में नहीं है जिसकी और चर्चा की जाए। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सा वेरिएंट बलेरो का खरीदने वाले हैं।